मैं बिग बॉस 16 से जुड़ी हुई लेटेस्ट खबर लेकर आपके सामने पेश हुई हूँ। बिग बॉस के घर में दिखाया जा रहा है कि अंकित गुप्ता को बहुत बड़ी पावर मिल जाती है। पावर ये होती है कि अंकित गुप्ता को बिग बॉस पूछते हैं कि आप घर में किसको अगला कैप्टन बनते हुए नहीं देखना चाहते, तो तभी अंकित गुप्ता कह देते हैं कि जो आज तक कैप्टन बने हैं मैं उन सब लोगों को इस कैप्टनसी से बाहर रखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो घर के कैप्टन बने क्योंकि वो हमेशा अनफेयर रहते हैं, अपने फ्रेंड्स का सपोर्ट करते हैं, जिसके कारण मुझे उनकी कैप्टनसी बिल्कुल पसंद नहीं आती। तभी बिग बॉस उनको एक टास्क देते हैं और जिसमें जो कि अंकित गुप्ता द्वारा रिजेक्ट किए गए कंटेस्टेंट होते हैं वो तो झेल ही होते हैं, और दूसरी और जो अंकित गुप्ता के फेवरेट होते हैं जैसे टीना दत्ता, शालीन, प्रियंका चौधरी, सौंदर्या एंड सुंबल, जो कि अभी तक राजा नहीं बने हैं वो होते हैं, उनको बनाया जाता है जेलर बनाया जाता है। और टास्क में होता है जे कि जो नॉन फेवरेट होते हैं उन्होंने जेलर से चाबीस लेनी होती है और उनका सैंपल लेकर रखना होता है, लेकिन जो अंकित गुप्ता उनको जे टास्क बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि एक साइड तो बहुत सारे कैदी हो जाते हैं, दूसरी साइड एक जेलर जाता है जिस पर जो सभी के सभी कैदी बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाते हैं और उनसे चाबियाँ लेने में सक्सेस हो जाते हैं, जिसके कारण जो अंकित गुप्ता है वो इस टास्क को अच्छा नहीं मानते और वो इस टास्क को जो कि जेलर्स होते हैं उनके पक्ष के ओर से देखते हैं और वो उनकी पक्ष में ही फैसला दे देते हैं, जिसके कारण जो निमृत शिव ठाकरे है वो अंकित गुप्ता पर अनफेयर होने का टैग दे रहे हैं। लेकिन अंकित गुप्ता देखा जाए वो कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ कि एक साइड तो एक कंटेस्टेड है लेकिन दूसरी साइड बहुत सारे कंटेस्टेड है, ऐसे में वो बेचारे क्या करें, उन पर बहुत ज़्यादा हैवी हो रही है, यहाँ पर हिंसा हो सकती है। तो तभी जो अंकित गुप्ता है वो प्रियंका चौधरी की साइड में सपोर्ट कर देते हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो अंकित गुप्ता ने किया क्या वो सही किया या गलत, तो प्लीज़ आप अपनी राय हमसे शेयर जरूर कीजिए और उनसे जुड़ी हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी कर दीजिए। धन्यवाद।